आपने देख तो लिया या केक चूजे हमने लिए हैं, लेकिन उनको बाहर निकालते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बिल्ली का भी खतरा होता है, तो उनको बाहर निकालते हैं, तो फिर बाहर तो छिपके रहते हैं शहर में, और जब उनको बंद करना होता है पिंजरे में तो वो फिर जाते नहीं अपने पिंजरे में, तो उन्होंने हमें आज से बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। और तभी बस अब मैं करने लगी थोड़ा काम, और आप देखें आपके माशाल्लाह आप खरगोश भी बाहर निकल आए हैं, क्योंकि पहले खरगोश अंदर थे बाहर निकाले, अब माशाल्लाह ये देखें कि ये गोलू मोलू का बच्चा ये थोड़ी देर बाहर आता है फिर अपने कमरे में चला जाता है। और अब बाहर सहन में मैं चारपाई वगैरह बिछाने लगी हूँ, और अम्मी आज आपको नजर नहीं आ रही, अम्मी गई है सिस्टर के घर, और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ख़राब है, मुझे बुखार है, तो इसलिए आज सरना है जो वो खुद ही हांडी रोटी कर रही है, और रोटियाँ वगैरह तो वो तंदूर से ही मंगवा लेनी है। और जो काका है जी हमारा, काके का जी नाम फिलहाल तो उसकी मामा कहती है अजान अली रखा है, और पापा कहता है रहीम रजा रखा है, तो देखे कि रहीम रजा अब पक्का नाम होता है कि अजान अली अब पक्का नाम होता है, ये दो नाम है फिलहाल, दो नाम उन्होंने कह रहे हैं, मामा कह रही है ये वाला नाम है, पापा कह रहा है ये वाला नाम है, तो देखो मामा की अब बात बनती है कि पापा की बनती है। अब चारपाई वगैरह निकाल लें, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गया, तो पकड़ पकड़ के मत बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तंग किया, और मैं तंग भी काका भी जी अंगड़ाइयाँ लेने लग पड़ा है, काके को के मुँह से हटाया कपड़ा, और काका भी अब अंगड़ाइयाँ लेने लग पड़ा है, और काका जी फिलहाल सो रहा है, और काका आराम कर रहे हैं। और थोड़ी देर और आप ये देख रहे हैं ये टेबल किसके लिए काम आते हैं जी, ये बाजार लगाते हैं जी, और खाना का हस्बैंड है जो वो बात बाजार लगाता है, मनियारी का काम करता है ना, तो ये वाले टेबल हैं जो ये नक्शे में लगा के तो फिर ले जाते हैं, और ऐसे बिछा के बाजार जो लगाते हैं गांव वगैरह में अक्सर बाजार ऐसे लगते हैं, तो आज रक्षा जी ले के गए हैं वो, तो इसलिए ये आज जो सामान बाहर ही पड़ा है उन पर साइड पर रखती हूँ, क्योंकि ना ये रस्ते में पड़ा हुआ। तो जी वीवर्स खरगोशों को कह रही हूँ चूजों को पकड़ पकड़ कर, मैं तो वैसे ही थक गई हूँ, एक मेरी पहले ही तबीयत ख़राब थी, बुखार मुझे चढ़ा हुआ है, और ऊपर से इन चूजों ने आज बहुत ज़्यादा तंग किया है, तो एक कोई नहीं एक दो दिन ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अभी नए नए लिए हैं, आप थोड़े से ये समझदार होंगे, इनको पता होगा कि हमने अपने कमरे में अपने पिंजरे में इस तरफ जाना है, तो फिर जी इसी से चले जाए करेंगे, और एक दो दिन तो इन्होंने अभी हमें तंग करना है, कोई गल नहीं बर्दाश्त कर लेंगे, इनको कितने दिन ये तंग करेंगे, आखिर को तो इनको पता चल ही जाएगा ना कि हमने किस जगह पे जाके तो हमने रहना है, और कोई बात नहीं छोटी मोटी टेंशन तो ऐसी वैसी तो आती रहती है ज़िंदगी में,
और वैसे मज़ा आता है, ऐसी छोटी मोटी टेंशन भी आए और मज़ा भी आया इनको पकड़ने में, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। लेकिन ये है कि ये मासूम है, इन्हों को क्या पता है, आप आस्ता आस्ता इनको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है। और वाकई में मेरी टांगे अब बहुत ज़्यादा दर्द होने लग पड़ी है, पहले ही हो रही थी और अब इनकी वजह से तो ज़्यादा ही होने लग पड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐश कर लें ये। और तो जी भी बस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज आप देखें कि मेरी आज ना मुँह से बोला भी नहीं ऊँचा जा रहा, और अगर वीडियो में बात आस्था भी आए तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि आज ना मेरे पास हिम्मत ही नहीं है बोलने की, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऊँचा बोलूँ, लेकिन ना ऊँचा फिर भी बोला नहीं जा रहा। तो अगर आवाज़ थोड़ी आस्था भी मेरी आए तो आपने कोई बात नहीं आज गुजारा गुजारा कर लेना है, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं अच्छी तरह, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, बुखार वगैरह, शाम को जाऊंगी दवाई भी लेके आऊंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगी वो इंशाल्लाह मैं उसकी बाद में बनाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप अपनी होश शोभिया को इजाज़त दें, एक नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, दुआओं में याद रखना, और अगर मेरे बोलने में गलती कुछ ताकि होगी हो तो सॉरी, माइंड नहीं करना। अल्लाह हाफिज़।